हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरू जॉट ऑफ ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो, ये है प्योर एस वेरिएंट, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और 12 लाख के अंदर अंदर ये आपको ऑन रोड मिलने वाली है। इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा। फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है, काफी शानदार। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिया गया है बहुत ही यूनिक डिजाइन में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, और यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर दिया गया है। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। ट्विन फॉग लैम्प इसमें आपको नहीं मिलता है। फ्रंट बम्पर आपको बॉडी क्लैडिंग के रूप में यहाँ पे दिया गया है ब्लैक कलर में, नंबर प्लेट की जगह। एयर डैम पे कुछ इस तरह का पैटर्न, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन फ्रंट में मैकपर्सन स्टड एंड रियर में आपको ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग दिया गया है। और साथ में आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज है 195/60R16। व्हील आर्स पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में ORBM आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। साइड कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता है। फ्रंट में आपको वाइपर नॉर्मल दिया गया है। और यहाँ पे गाड़ी की डिस्क्रिप्शन जो कि वेरिएंट वाइज आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया, ड्यूल टोन में रूफ रेल दिया गया है, ए पिलर बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। विंडो के बॉटम लाइन में यहाँ पे सिरेमिक लाइन अब हटा दिया गया है, ब्लैक फिनिश दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको इस वेरिएंट में ब्लैक कलर का दिया गया है। वहीं डोर मोल्डिंग आपको सिंगल टोन यानी ब्लैक फिनिश में दिया गया, अपर वेरिएंट में आपको ड्यूल टोन में मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया इस वेरिएंट में, और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको टू टोन में दिया गया है, ब्लैक पार्ट दिया गया है। और इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर नहीं मिलते हैं, हिडन में दिया होता है। और बहुत ही शानदार एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। बीच वाला पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स का काम करता है। बीच में आपको दिया गया हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। वहीं टेल गेट के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली नेक्सॉन की ब्रांडिंग दिया गया है, जिसका फॉन्ट भी चेंज किया गया है। और दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, और जिसके एडजेसेंट आपको रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है, जो कि लेफ्ट साइड ही आपको जलता हुआ नजर आता है। साथ में नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। चलिए अब की दिखाना चाहूंगा। फ्लिप की दिया गया है और एक नॉर्मल की दिया गया है। और फ्लिप की पे आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का बटन आपको ऑफर किया गया है। और ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर, कुछ इस तरह ओपनिंग, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, पियानो ब्लैक फिनिश, ग्रैब हैंडल पे पावर विंडो के कंट्रोल, और यहाँ पे लेदर टच दिया गया है कुछ इस तरह, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ORBM के कंट्रोल दिया गया, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। अम्ब्रेला होल्डर, 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर 4 मिल जाते हैं इसमें। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। दोस्तों, बहुत ही शानदार इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको नहीं मिलता है। फैब्रिक अपोस्टी टू टोन में मिल जाता है, ब्लैक एंड यहाँ पे ग्रे फिनिश में। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, जस्ट यहाँ पे दिया गया है 2 कप होल्डर, कुछ इस तरह का स्टोरेजेस। डार्क क्रोम फिनिश में आपको हैंड ब्रेक, यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड्स दिया गया है। और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह का नो पियानो ब्लैक फिनिश सराउंड। और इसके आगे आपको दिया गया है 12 का चार्जर, USB पोर्ट, और टच पैनल के रूप में आपको यहाँ पे मिलते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें सारे फंक्शन आपको टच पैनल मिलते हैं। फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो बूट ओपनर का बटन, और AC के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। अप एंड डाउन आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं आप कुछ इस तरह। बहुत ही शानदार फीचर और काफ़ी प्रीमियम लगता है। और डैशबोर्ड लेआउट पे कुछ इस तरह का टच लेदर फिनिश में दिया गया है, जो कि काफी प्रीमियम लगते हैं। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। और AC वेंट स्लीक डिजाइन में कुछ इस तरह का टच, और यहाँ पे 7 इंच का हरमन का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और बहुत ही अमेजिंग इसका साउंड क्वालिटी, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों। और वहीं आपको यहाँ पे डे नाइट IRBM दिया गया है, जो कि मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है।
कुछ इस तरह। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, सेंटर में एलईडी कैबिन लाइट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल दिया गया है जो कि वन टच आपको यहाँ पे ओपन एंड क्लोज हो जाता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एयरबैग आप पैसेंजर साइड को पैसेंजर साइड डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, यानी कि ऑफ भी कर सकते हैं। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। और वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल कुछ इस तरह दिया गया, बीच में एमआईडी दिया गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और वहीं फ्लैट बॉटम टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको बीच में इल्यूमिनेटेड होता हुआ टाटा का लोगो दिया गया है कुछ इस तरह। और लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल प्रोवाइड किया गया, राइट साइड आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं, आप कुछ इस तरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से जान सकते हैं, एम्पटीट्यूड डिस्टेंस सारे कुछ यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। और इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं किया गया है। और इल्यूमिनेटेड होता हुआ स्टीयरिंग व्हील काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है दोस्तों, काफी पसंद आने वाला है, बाकी सभी गाड़ियों में आपको नहीं मिलते हैं। और ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह दिया गया है, काफी जबरदस्त जगह, और टैबलेट ट्रे आपको नहीं मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, ओपन कर लेते हैं रियर डोर को। और यहाँ पे कुछ इस तरह की ओपनिंग, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में, पावर विंडो के कंट्रोल, पियानो ब्लैकनेस ग्रैब हैंडल पे, 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर आपको 4 मिलते हैं इस वेरिएंट में, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। पियानो ब्लैकनेस डोर लॉक पे, और नीचे कुछ इस तरह का स्पेस। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कम्फर्ट, रियर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस दिया गया है, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। वहीं हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं, और यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया इस वेरिएंट में। साथ में आपको आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह का फैब्रिक अपोस्ट्री आपको यहाँ पे दिया गया है ड्यूल टोन में। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। एसी वेंट दिया गया, रियर एसी वेंट आपको मिल जाते हैं, जो कि एक बढ़िया फीचर है दोस्तों, समर सीजन में काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो प्योर एस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके, काफ़ी प्रीमियम लगता है। चारों ओर नज़र घुमाएं तो यहाँ पे कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, ड्राइवर सीट को छोड़कर कोट हुक भी दिया गया है। और लेग रूम नी रूम की बात करें तो काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाते हैं, हेड रूम भी काफ़ी इनफ है दोस्तों, जिसके लिए विग थम्सअप। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा आगे। और सेंटर कंसोल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का टच पैनल है, वहां पे आपको दिया गया है यहाँ पे बूट गेट ओपनर का बटन। ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को, और यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह की ओपनिंग। आपको 382 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और कोट हुक दिया गया है लेफ्ट एंड राइट साइड, और फ्लैट फोल्ड होता हुआ रियर सीट दिया गया है, जिससे आप फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। जस्ट इसके नीचे स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ, बहुत ही शानदार स्पेस। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराए गए। इनर साइड आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके इसका बूट गेट को कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रबर टोन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 120 PS की पावर एंड 170 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और जहां तक ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT, 7 स्पीड DCT प्रोवाइड किया गया है। और कंपनी क्लेम करती है 17.44 KMPL की माइलेज। और टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP क्रैशर्स में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे बन चुकी है सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV। वहीं इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, प्रिटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ब्रेक वे कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।
ये थी दोस्तों न्यू नेक्सॉन प्योर एस वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉक अराउंड्स कंपैरिजन एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।